सब बदल चुका है। जब कुछ पसंद आए तो डबल टैप, कुछ पसंद ना आए तो पोस्ट या ट्वीट से एक्सप्रेस। रिलेशनशिप चेंज होने पर रिलेशनशिप स्टेटस का अपडेट। कुछ शॉपिंग करनी हो तो ऑनलाइन शॉपिंग। हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट सर्च या कुछ भी सर्च के लिए गूगल। न्यूज देखना हो तो न्यूज ब्राउजिंग। स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए यूज एन ऐप। कैलोरीज ट्रैक करनी है तो यूज एन ऐप। इसमें गलत क्या हो सकता है? इससे तो आपका नाम, हाइट, वेट, लोकेशन, सिटी और आप कहाँ वर्क करते हो, आपकी फैमिली, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपके हेल्थ कंडीशंस, बाइंग हैबिट्स, रिलीजियस बिलीव्स मालूम होते हैं। लेकिन ये सब एक्चुअली वैल्यूएबल डेटा पॉइंट्स है। आप सोच रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐप सिर्फ आपको एड्स में न्यू प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, राइट? रॉन्ग। कंपनीज आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड नाउ इट्स नॉट योर डेटा एनीमोर। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो द डार्क साइड ऑफ डेटा कलेक्शन। हम सबको पता है कि हमारी ट्रैकिंग और डेटा कलेक्शन हो रहा है, चाहे वो iOS हो या Android। बहुत से एप्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। यस, इट इज हेल्पफुल जब आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ मिले, लेकिन प्राइवेसी से वैल्यूएबल चीज और क्या रह सकती है? आजकल लोग खुद की मर्जी से अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं बिना रियलाइज करे कि उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके सेल करा जा सकता है। There was nothing to hack. People were going to provide their own pictures, their own information. कुछ apps location access permission के लिए पूछते हैं ताकि companies location से user को track कर सके, और अगर user location tracking accept भी करते हैं तो वो users को inform नहीं करते कि users का location third party से share हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने डिवाइस का लोकेशन हमेशा ऑफ रखते हैं और कोई भी ऐप को लोकेशन एक्सेस नहीं देते। 2018 में रिसर्चर्स ने कहा कि 581 एंड्रॉइड ऐप्स, जिसमें छोटे बच्चों के ऐप्स भी इंक्लूडेड है, वो ऐप्स कलेक्ट करते हैं आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स और मैक एड्रेसेस, जिससे वो लोकेशन ट्रैक करके आपका लोकेशन शेयर करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपका डेटा ये ट्रैकिंग नहीं हो रही है, ये तो बस नॉर्मल कंपनीज के बनाए एप्स है। टेक जायंट्स फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप को लोग ग्लोबली यूज करते हैं। वो आराम से आपका पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे आप खुद की मर्जी से आपकी इंफॉर्मेशन जैसे मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स इंटरेस्ट, होम टाउन, करंट लोकेशन, जॉब, फ्रेंड्स, फैमिली, प्राइमरी से लेके मास्टर्स तक के क्वालिफिकेशन इन्फो, फोटोज, बर्थ डेट, जेंडर, एड्रेसेस, ईमेल, फोन नंबर, लाइक्स, डिसलाइक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर इंटरेस्ट अपलोड करते हो। फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी है कि वो आपके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है आपके मैसेजेस से। फेसबुक की पॉलिसी है कि जब आप फेसबुक पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि फेसबुक पे अपनी मर्जी से आपके डिटेल्स दे रहे हैं, और फेसबुक का राइट है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन उनके पार्टनर कंपनी से शेयर करने। तो फेसबुक में किस किस ने इन्वेस्ट और फंड किया है? सबसे पहले पेपाल का फाउंडर और ओनर पीटर थेल ने ये सारी इंफॉर्मेशन $5,00,000 में खरीदा था। फिर फेसबुक के पार्टनर एक्सेल कंपनी ने $12 मिलियन की फंडिंग की थी। एक्सेल का मैनेजर जेम्स ब्रायर नेशनल एसोसिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल का चेयरमैन भी था। इस एसोसिएशन में काम करने से पहले जेम्स ने गिलमैन लुई के साथ काम किया था। गिलमैन लुई जो इनक्यूटेल का पार्टनर और फॉर्मर CEO है। इनक्यूटेल कंपनी CIA के लिए काम करती है। इनक्यूटेल CIA को टेक्नोलॉजीज और टेलीफोन्स की इंफॉर्मेशन देती है। तो ये सब पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ये तो थे बस फेसबुक और फेसबुक के कुछ ही पार्टनर्स की बात। हर ट्रेंडिंग ऐप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सब फेसबुक ओन्ड है। इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाले आपके सारे फोटोज और अपडेट फेसबुक और फेसबुक के पार्टनर्स से शेयर होती है। रिसेंटली व्हाट्सएप अपने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के लिए वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में है कि वो हमारे मैसेजेस कलेक्ट या स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ वी में स्टोर योर मैसेजेस।
पर व्हाट्सएप की पहले वाली प्राइवेसी ठीक ही तो चल रही थी, क्यों इनको ये न्यू प्राइवेसी लाना था। तो ये वी मेल स्टोर योर मैसेजेस का मतलब है कि वो आपके प्राइवेट मैसेजेस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। Sellers are finding out that they have a secondary source of income, which is that the data about their customers is probably just about as valuable, maybe even more so, than the actual product or service that they're selling to the individual. क्या होगा अगर आपका डेटा गलत हाथों में चला जाएगा? क्या होगा अगर डेटा ब्रोकर या कोई कंपनी आपका डेटा सेल करेगा ऐसे इंसान को जिसके रियल इंटेंशंस उन्हें पता ना हो? क्या होगा अगर अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहने वाले सिटीजन्स या कोई भी सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन लेके उनके ही अगेंस्ट यूज करेगी? जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेयर यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी, जिससे आपकी हर डिटेल को ट्रैक किया जा रहा है। कमेंट में आप शेयर करो अपने व्यूज इस बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।